यह 1:30 बजे से प्रारंभ होगा और 4 बजे तक चलेगा। सवेरे जो होता था रक्षाबंधन वो 1 बजे के बाद होगा। भद्रा में कोई भी कार्य जो होता है वो सफल नहीं होता है, शुभ नहीं होता, अशुभ हो जाता है। ये रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और विशेषकर भाई और बहन का ये पर्व है और इसमें जैन बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी वंदे माचल माचल है। जिस प्रकार से यह मंत्र के द्वारा रक्षाबंधन बांधा जाता है, विशेषकर बहन और भाई का यह संबंध है। इस वर्ष का रक्षाबंधन जो है भद्रा होने के कारण से यह 1:30 बजे से प्रारंभ होगा और 4 बजे तक चलेगा। इसलिए इस वर्ष का पर्व सवेरे जो होता था रक्षाबंधन वो 1 बजे के बाद होगा, क्योंकि भद्रा में कोई भी कार्य जो होता है वो सफल नहीं होता है, शुभ नहीं होता, अशुभ हो जाता है। तो देख करके कि अशुभ न हो जाए, भाई बहन के जो संबंध होते हैं वो ऐसा न हो जाए, इसलिए जो समय है उस समय पर ही इसको भद्रा के समाप्ति पर यह जो रक्षाबंधन है इसको प्रारंभ किया जाएगा। हमारे यहाँ भगवान श्री राम लला को भी प्रतिवर्ष रक्षाबंधन आता है, बाहर से आता है। इस वर्ष जो आया है वो श्रृंगी ऋषि आश्रम से, जहाँ यह ज्ञात है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सोजग करावा, उन्होंने वशिष्ठ जी बुलाए थे और भगवान श्री राम के प्रकट होने के लिए, पुत्र के रूप में आने के लिए इन्होंने जग कराया था महाराज दशरथ के द्वारा। तो उसके उसी ऋषि को, अपनी पुत्री को इन्होंने शादी कर दिया जो राम से पहले पैदा हुई थी और जिनका नाम था शांता। तो शांता का द्वारा वहाँ भेजा हुआ इस समय बहुत से सामग्री आए हैं और बहुत कुछ से उनके लिए उपहार आया है और इसको जो है हम 1:30 बजे ले जा करके और रामलला को, चारों भाइयों को ये राखी बांधेंगे और उसके बाद में यह जो सामान है उसको वितरण किया जाएगा और साथ साथ उनको माला फूल जो है उससे सजाया जाएगा। ये इस प्रकार का इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। नया मंदिर और नई व्यवस्था और नए ढंग से सारे कार्य हो रहे हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा है और वही उत्साह में इस वर्ग का जो यह राखी है, रक्षाबंधन है, वो बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रामलला के दरबार में। राखी बहन भाई के स्नेह का एक अटूट बंधन का त्योहार है। ये वो त्योहार है जहाँ बहन रक्षा सूत्र बांधती है भाई को, लेकिन भाई को भी उसका आशीर्वाद मिलता है कि आजीवन वो सुरक्षित रहे। आज मैं अर्जुन दास कैंप में आई हूँ आशीर्वाद लेने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि यहाँ पर जैसे हमारी प्रधान जी है, इधर आइए मोहम्मद जी, इनको भी राखी बांधी और इनके यहाँ पे लोगों से राखी बंधवाई। अटूट बंधन है,
जो वोट देकर विश्वास मुझ पर जगाया है उस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। और इन्होंने जो स्नेह दिया है अपना मतदान करके उसका धन्यवाद कहने के लिए आई हूँ, ये आश्वासन देने आई हूँ कि डटी हुई हूँ बहन की तरह और जो भी समस्याएं हैं उनको एक एक का निवारण उसका निदान जरूर कर उससे डबल भावना आपके भाई की है कि आपकी सबकी रक्षा हो सुरक्षा हो, ऐसी उनकी भावना है। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में हम सब लोग मिलकर के आज बात साथ बनी रहे और हमने जिस प्रकार से शपथ लेकर के अपने प्रदेश अपने देश के लिए काम करने का संकल्प लिया है, तो देश में मध्य प्रदेश का जो विकास है वो हर क्षेत्र में बना रहे, ऐसी मेरी भावना है। आज के इस रक्षा सूत्र के बंधन के अवसर पर समस्त बहनों को और समस्त भाइयों को सबको शुभकामना देता हूँ। भगवान महाकाल आपको बहुत सुखी रखे। आपका मोहन भैया का यही कहना, सम्मान के हकदार है लाडली बहना, हमारे बहना जो है डॉक्टर मोहन यादव जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रहे हैं। आपका जोरदार एक बार जिसे जोरदार ताली बजाया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हम सबके भैया लाडली बहनों के भैया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।